नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम लोग 105 क्वेश्चन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप लोगों को टेलीग्राम पर पीसीएस एकेडमी का चैनल है, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और पीडीएफ का लिंक भी वहां पे दे दूंगा, तो आप लोग जहां से मर्जी हो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रीवियस पीडीएफ के लिए, पुरानी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, केसर की सर्वाधिक मात्रा उत्पन्न होती है किस राज्य में? तो कश्मीर में। जादू गोला प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपी मेखला में नहीं आता? तो कर्नाटक का पठार भूकंपी मेखला में नहीं आता। भारत की कौन सी नदी एक्सडी बनाती है? तो ताप्ती और नर्मदा नदी, दोनों की दोनों नदियाँ ज्वार नदमुख बनाती हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में मानसून का सबसे पहला आगमन होता है? तो केरल में होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो उत्तर प्रदेश में होती है। वह जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, तो वह कौन सी जनजाति है? मुंडा जनजाति है। झूमिंग कृषि सर्वाधिक व्यवहार है कहाँ पर? तो झूम कृषि सबसे ज़्यादा की जाती है नागालैंड में। चलिए आगे देखते हैं, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? अंडमान को निकोबार द्वीप से। उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो जौनसारी है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। श्रीहरिकोटा द्वीप के अवस्थित है, किसके निकट स्थित है? तो पुलिकट झील के निकट है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, भारत का हुआ है अभयारण्य जिसे हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? तो काजीरंगा असम में। अगला देखते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह कानपुर में स्थित है। राणा प्रताप सागर परियोजना किस टाइप की परियोजना है? तो ये एक पनबिजली संयंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? तो चाय है, रबर है, नारियल है और कहवा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है किसका? तो अभ्रक का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व किसके लिए है? तो एल्युमिनियम उद्योग के कारण इसका महत्व है। कल्पक्कम प्रसिद्ध है किसके लिए? तो कल्पक्कम जो है परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत की कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से संबंधित है? तो संथाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पर है? तो झारखंड में है। भारत के किस प्रदेश में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में होता है। नेपा नगर जिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वो क्या है? तो अखबारी कागज़ के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादित करता है? तो राजस्थान। ये डेटा का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हटा दीजिए। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो गद्दी है, गद्दी जनजाति। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो बिहार है। लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य कहाँ पर है? तो मालाबार तटीय क्षेत्र में है। तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो झेलम नदी से है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हर के बैराज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला क्षेत्रों में किसके पास कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो झरिया में है। पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस वे राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? तो ये झांसी में काटते हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, लावा मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? तो मालवा के पठार में। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान कितना है? तो 20% है। कलकत्ता के वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो लघु उद्योग इकाइयों का है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहां पर स्थित है? तो आपकी कलकत्ता में स्थित है। वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी है।
साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक आवास निवास जो है वो कहाँ है, तो असम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की थी किसने, रेडक्लिफ रेखा के द्वारा। भारत में चीनी के प्रथम तीन अग्रणी उत्पादक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु हैं। कौन अक्साई चीन का भाग है, तो कोरम श्रेणी जो है वो अक्साई चीन का भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चकमा किस देश के शरणार्थी हैं, तो चकमा जो है बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य समूहों में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। चलिए आगे देखते हैं, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राग तंत्र कौन सा है, तो धारवाड़ है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो जम्मू कश्मीर में होती है। भाखड़ा नांगल किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है। कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, तो असम है। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है, तो पश्चिमी जर्मनी को किया जाता है। टोडा एक जनजाति है, कहाँ पर निवास करती है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किसके समीप से लिया गया है, तो इलाहाबाद के नैनी के लिया गया है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है, किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभों से होती है। भारत का सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक राज्य राजस्थान में होता है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, ताप्ती और नर्मदा है। सर्वोत्तम किसका संगमरमर पाया जाता है, मकराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है, तो सतलज से निकलती है। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है, तो पेट्रोलियम पदार्थ आयात की जाता है। चलिए आगे देखते हैं, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो ग्रेफाइट के। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ हैं, तो मध्य प्रदेश में हैं। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है, तो मूँगफली की है। भिंडी में पीत वर्ण सीरा की बीमारी किससे होती है, तो कवक से होती है। सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन होता है। विटीकल्चर में कौन से फल का उत्पादन होता है, तो अंगूर का उत्पादन होता है। चौरा बड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर, केदारनाथ के उत्तर में। कौन सा गेहूं की फसल का रोग है, तो उसका रस्ट नाम है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र कहाँ पर है, तो तमिलनाडु तट में है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है, तो वो कौन सा है, जस्ता है। देश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। छोटा नागपुर से औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित है किससे, तो लौह अयस्क की खोज में। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, तो कांडला बंदरगाह है। भारत में मलिन वस्तुओं की संख्या जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है, तो आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ है, तटरेखा से 12 समुद्री मील तक। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया है। कल्याण सोना एक किस्म है किसकी, तो गेहूं की है ये। चिनार वन्यजीव बिहार कहाँ पर है, तो केरल में है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली तीन पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, तो खासी, पटकाई और अराकाम योमा है। मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, तो मंगलम सिंचाई परियोजना केरल राज्य में है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कहाँ है, किस नाम से है, सिद्राबाग में है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। पंचशीर घाटी कहाँ पर है, तो अफगानिस्तान में है। फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है, तो कोयला है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में है, तो वो कौन कौन से हैं, धौलाधर और पीरपंजाल। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है, तो थोरियम है। भारत के किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, तो मालवा के पठार में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण के अनुसार किस राज्य के कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है, तो अरुणाचल प्रदेश का।
अलंकेश्वर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो पेट्रोल के भंडार के लिए। ग्रीष्म काल में आंध्र ऊष्मा का अनुभव होता है, कब होता है? उमस वाले मौसम में होता है। किसको अभी हाल ही में सिक्स पथ एक्सप्रेसवे द्वारा संबद्ध किया गया है? तो मुंबई और पुणे को। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति कैसी है? तो सबसे अधिक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। भागीरथी निकलती है कहाँ से? तो गोमुख से निकलती है। किस नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? तो अलकनंदा नदी का स्रोत जो है वो हिमनदों में नहीं है। मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है किससे? तो अलकनंदा नदी से। लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य है? तो शिवालिक और महाहिमालय के बीच में है। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? तो मंदाकिनी। कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो नगरीकरण प्रभाव नहीं है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार हैं? तो दक्षिण पूर्व में है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो कोयला और पेट्रोल जैसे जीवाश्म के ईंधन के समाप्त होने का खतरा जो होता है वो ऊर्जा संकट कहलाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आज हम लोगों ने ज्योग्राफी के सबसे महत्वपूर्ण 105 क्वेश्चनों को देखा। और रिवीजन करते रहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।